उरई से आते हुए एक व्यक्ति को कुछ अज्ञात युवकों ने, जो बाइक पर सवार थे दो युवक, उस व्यक्ति को जबरन बाइक पर बिठाकर जेब काट ली, 10,000 रुपए निकाले और जब उस व्यक्ति ने देखा तो उस व्यक्ति को बाइक से गिरा दिया और भाग गए। लेकिन व्यक्ति के शोर मचाने पर आसपास खड़े लोगों ने उन चोरों को पकड़ा और 100 नंबर लगाकर पुलिस बुलाई। मौके पर ही पहुंची पुलिस ने उन दोनों चोरों को कोच थाने में पहुंचाया। व्यक्ति का नाम सरजू परसार, रक्सी अहिरवार, निवासी ग्राम बसोब। उरई से आ रहे थे, पूरी कहानी सुनाओ। उरई से आ रहे थे, मान लो पेंसिल काटने थी हमन, और स्टेट बैंक में मान लो पेंसिल काट के ग्रीन कार्ड की जो जमा करते, जमा करने के बाद की में हम न बैंक ही पे नहीं पहुंच पाए, स्टेट में न कहूँ पहुंच पाए, वो बीच ही में बस हम पहुँच ही नहीं पाए। बीच ही में इन लोगों ने छेड़ लो, गाड़ी पे बैठा लो जबरदस्ती करके। हम 10,000 रुपया डाल रहे थे, इन्हें जेब काट ली, हमारे कुछ पेट में सहारा सा मिलो, सो हमने फिर इनसे हाथ पकड़ो, हमने पैसा दियो हमारे, तुमने जेब काट ली। उन लोगों ने हमारे हाथ पकड़ के पटक दो और बस भग गए। हम धर न रिया नहीं आवा, मालूम लोग बाग धर दौड़े, सब नगर पालिका है जितने तरफ जी भागे उतर लोग पकड़ लें, लेके आए फिर थाने आए जी लोग, बंद है। किस वक्त की ये घटना है? वही 12:01 की है जी, 10:11 का बज गए उनकर 12। हाँ ये कहो तुम तो सीधे, ये कई की लिखी है, ये कई की लिखी है, टाइम को निश्चित नहीं है, एक की लिखी है। 12:01 समथिंग की घटना है। हाँ तो जिम जिम दिखाइए, कौन सी पट्टी थी, कैसे बता दे हम, कैसे बता दे, नहीं एक चला रहा हो तो दूसरे ने बैठा लो, वो पीछे बैठ गए।